अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक मिनट जरा मैं ऐनक उतार लूँ। मुझे ना ऐनक लगा के ना सीढ़ी ऊपर नीचे नजर आती है। वाह है मेरा। अच्छा वो पड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज धुप शुप निकली हुई है छत पे, देखें। मैं सुबह आके काम करना चाहती थी बट मुझे लगा बादल आए हैं तो मैं फिर ऊपर नहीं आई। अब आई हूँ एंड देखने आई हूँ कि क्या सीन होना है भाई। लेट मी चेक दिस वन। या दिस इज परफेक्टली सेट। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहले एवी बोल लेता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अच्छा सबसे पहले हम ना अपनी औकात पे आते हैं कि ये शीट उठाएंगे हम। देन वी डू अनदर वर्क, वी विल डू अनदर वर्क। ओके, मुझे धूप लड़ रही है बट कोई गल नहीं। शेप्स मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उठा के रख दी थी। यह कल अचानक से बादल आए, मैंने ज़मीन पे सारी शेड्स रखी हुई थी और क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई फटाफट शेपें उठाई हैं अभी। मैंने फिर जब शेप्स कवर किए तो मैंने देखा फोन से भाई बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखें, सॉरी, ये देखें शेप्स का सत्यानाश हो गया था, टूट गई थी। खैर मैं ये शीट उठा लूँ जल्दी से, फिर मिलते हैं। चेक कर मेरी वर्कप्लेस पे गंद यार, बड़ी गर्मी लग रही है। मैं अपने ऊपर जुल्म करने आई हूँ एक तरह से, तो फिर जाके साड़न आई है अपने आप नूं। ओ भाई साहब, ये लिक्विड कौन सा गिरा हुआ इधर। खैर मुल्तानी मिट्टी देखें हमारी लश हुई है इस टाइम, लश तो नाले पश। खैर गर्मी जब लग रही ना कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। पानी भी नहीं मिले कर रही, मेरा टब यहाँ चार दिन से पड़ा हुआ, बेचारे की शक्ल ही बदल गई है। हाय मैं ऐसा चला, धूप को कम होने दे फिर मैं आती हूँ। तो पीछे वाइट डॉट बहुत मैसी हो गई है, मैली हो गई है। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी की कमलिंग करेंगे कोई वाइट डॉट की। ज़रा मुझे मोबाइल ट्राइपॉड पर लगा दे। अच्छा मैंने यहाँ से ना थोड़ी बहुत जो शेप से सीमेंट की निकाल के रखी है, अभी मुझे ना इस पर खलारा नज़र आ रहा है बट मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी। जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना काम से इंशाल्लाह ताला देन आई विल क्लियर दिस मेस बट नॉट येट। ओके जी, ये देखिए मैंने गला, मेरे क्यों खराश हो रहा है गले में बार बार। जब मैं छत भी आती हूँ ना पता नहीं मेरी गले में इस वक्त से प्रॉब्लम होने लग जाती है। एनीवेज मैंने ये डर्ट्स निकाल के रखी हैं फॉर क्रमलिंग व्लॉग क्रमलिंग फॉर व्लॉग पता नहीं कि ये बड़ा पड़ा लैंग्वेज। ये फोर डर्ट्स मैंने निकाल के रखी हैं, वाइट डर्ट, येलो डर्ट, मड डर्ट, हो नहीं येलो डर्ट, मुल्तानी मिट्टी डर्ट, ब्लू वन इज़ मुल्तानी मिट्टी डर्ट, ग्रीन वन इज़ येलो डर्ट एंड वाइट डर्ट। यू कैन सी ईजीली, यू कैन गेस इट इज वाइट डर्ट, दिस इज वाइट डर्ट। बस मैंने इंग्लिश को थोड़ा सा बर्दाश्त कर ली, मैं अपने फॉरनर सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ी सी चवल मार देती हूँ। और ये है सॉफ्ट डर्ट ओका, देन आई वॉन्ट टू क्रम्बल मड डर्ट ऑल्सो बट वो बहुत ही पीछे पड़ी हुई है। तो बाजी को ज़रा सा मैंने हाथ लगाया ना, उन्हें पिछी जी शेपा पाई हुई ने ना मुल्तानी मिट्टी के उधर तक डिग जाना, तो मैं फिर इस वास्ते रिस्क नहीं लेंदी, पे गलाड़ा ही पैना है।
एक मिनट मेरी अनक फंस गई है नकाब के ऊपर। चले भाई सेक तो बड़ा मुझे लग गया एंड स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, बट लुक एट दिस बाउल्स कलर, ओ माई गॉड, सीरियसली ब्यूटिफुल, लुकिंग ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, या इज एक्चुअली इज वाओ, दिस इज एक्चुअली इज वाओ, यू कैन सी, ये होता है वाओ, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ कलर, ब्यूटी, ओहो, विच वन इज योर फेवरेट दिस टाइम, लुकिंग, आई एम स्पीकिंग वेल इंग्लिश, पता नहीं कितों हाजिर होती पई है, ये ठक ठक इन्हें स्टार्ट कर दी है, इसको बाद में ले, फिर हम क्रमलिंग करते हैं। पहले हम करते हैं येलो डर्ट की क्रमलिंग, लाइट आ गई, 2:54 की लाइट लगी थी, अभी आई है 5:00 हो गए, यानी कि 2 घंटों से मैक्सिमम ऊपर की लाइट गई है। चले आज हम अपनी पहली डर्ट नंबर करते लॉक की, आफ्टर मैनी टाइम, यस मिसिंग, स्लाइटली रैम्प है बट कटनी करनी नहीं डेड, ये बंद हो ले इसके बाद स्टार्ट करते हैं, हो गया ये डैम पे, हम कैसे समझा नहीं था तुमने का, एक और चीज पड़ा हुआ स्लैब टाइप, मैं देखूँ वो ड्राई तो किसी में क्रम्बल करते हैं, देख रही हूँ देख कर आ, ये देख मेरे कमाल,
ये डैम पे भी हाय हाय विंग कमल कर दिया। इस पे ना बारिश का पानी गया था। वो थी माठी रबी हुई है इसकी, ये थोड़ी ड्राई है। जो टेक्सचर पड़ा था ना ऊपर की तरफ हवा से वो ड्राई, और जो नीचे की तरफ शेप ना आता हिस्सा डैम पर। इसमें पानी डाल देते हैं सेट हो जाए। इसके बाद ना डर्ट्स की क्रमलिंग के लॉ के बाद ना मैं ब्राउन डर्ट की वीडियो में जाऊंगी क्ले पॉट में और वाटर में, ठीक है। वो आपको अगर BTS उसका हुआ तो मैं कर दूंगी रिकॉर्ड, अगर शेयर वगैरह। चलो भाई इसमें पानी डाल देते हैं, बकेट में पानी वाली ली आई थी वो डाल देते हैं। चलो मैं इसको रख दूँ पहले। तो जी आ गई सबकी फेवरेट मुल्तानी मिट्टी डर्ट, ठीक है। इसकी क्रमलिंग करते हैं, जहाज पे जाने में सबसे पहले जो मिनी पीसेस है ना उनको क्रम्बल कर लेते हैं, तो वो नीचे रह जाते हैं। इवनली क्रम्बल ना टेक्स्ट हुआ तो वो मज़ा नहीं आता। ये ट्राई है वो आ जाएगा, ये तो पप्पू टेक्सचर हुआ है। ये चुड़ गया था, मुल्तानी मिट्टी इतना मज़े का टेक्सचर है, इतना मज़े का टेक्सचर है। क्रमलिंग वाइज हर डर्ट हम करते ना क्रमल, हमें लगता है ये अच्छी है, ये हर डर्ट बेस्ट लगती है क्रमलिंग वाइज, बट ये सच में बड़ी अच्छी डर्ट, कमाल डर्ट है। वो भी ले आती हूँ जो डैम पे थोड़े से, ये तो बारिश का मौसम का ना सीन होता ऐसी स्लैब्स बना लेती और फिर हम इसकी वो करते क्या करते हैं स्टैक क्रश।
बटर मैंने निकालने की कोशिश की है तो देखा वो कुछ पीसेस उसके डैम्प है कुछ ड्राई, तो मैं अगर ट्राई करती हूँ तो निकल आती है, तो मैं इसको कम्बल करने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ आज 5 डर्ट हम कम्बल करते हैं ब्लॉग में, मैं लेकर बाकी के पीसेस। ये मेरे माइक ट्राईपॉड की मुंडी बार बार गिर जाती, टेढ़ी हो जाती है। ट्राई थी इतनी डैम नहीं थी, ये है तो डैम। अब मज़ा आ गया आपको ट्राई करने गए कि मुल्तानी मिट्टी की कौन कौन सेटिस्फाइंग फील कर रहा है मुल्तानी मिट्टी की आई क्रमलिंग देख के, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट लो व्हाट इज द लाइन। इस पर भी हम पानी डाल देते हैं और इस पर रख देते हैं। मिक्सिंग शिक्सिंग इसलिए नहीं कर रही, मेरे हाथ भर जाएंगे, फिर मैंने दूसरे टेक्सचर भी कम्बल करने तो उनमें वो कलर चल जाएगा। सो जस्ट पानी कोट करके इसको रख रही हूँ। इसको भी मैं रख लूँ फिर वाइट डेट की कमलिंग करते हैं। वाइट डेट भी रख दिए, एक मुझे भूख मारे दे। अरे डस्ट जो है माइक पे पड़ी हुई है, माइक पे कह रही हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। चले भाई हम आपकी शहजादी क्वीन डर्ट्स डर्ट क्वीन डर्ट ऑफ वाइट डेट क्वीन ऑफ डर्ट्स है बिकॉज ऑफ वाइट ब्यूटी स्नो वाइट। चले देखते हैं ये कितनी हद तक ड्राई है। यार ये मक्खियाँ जो है ना मच्छर ने थोड़ी डैम बनने से मैं साथ ना इसकी डैम पर ड्राई का पहाड़ा पहाड़ी होती है, पता चले ये डैम है इसलिए इसकी डस्ट नहीं है। ये ड्राई
like this one. Wow. Kya order se mashallah. आप इसकी स्मूथनेस चेक करें, मैं आपको इसकी स्मूथनेस दिखाती हूँ क्लोजअप करके, क्लोज करके, क्लोजअप पर स्मूथनेस है कि इसमें आपको कोई क्रैक कोई ग्रेटर नहीं नज़र आ रहा होगा। ये ले बूथे के बिल्कुल करीब कर दिए। हाउ स्मूथ इज दिस, हाउ स्मूथ दिस इज, दिस इज मक्खी आ गई। यार देखिए क्या नीटनेस है, क्या क्लीन ही, ऐसे जैसे हमने अभी माउंट से द चौक माउंटर माउंटर खड़ी माउंटेन है ना, उधर से इस पीस को तोड़ा है। माय गॉड, वाइटर जितनी ड्राई थी मैंने उतनी क्रम्बल कर दी, बाकी सारे डैम टेक्सचर है। मज़ा नहीं आता डैम क्रम्बलिंग करके, बट स्टिल मैं डर्ट क्रम्बलिंग लवर्स के लिए डैम भी थोड़ी बहुत काट ही देती हूँ कि वो भाई नाराज़ ना हो कि भाई डर्ट की क्रम्बलिंग नहीं आ रही है ना। ऑल दैट आप उधर नजर गए, मैं जब ग्रिटी टेक्सचर की क्रम्बलिंग करती हूँ मैंने की वैसे कितनी मतलब बाकी टेक्सचर्स की नस्बत ना डर्ट क्रम्बलिंग मज़ा भी आता है करने का मुझे, और आप लोगों को भी यकीनन इस टेक्सचर्स की क्रमिंग पसंद होगी, यकीनन पसंद होगी भाई। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे, इनमें कभी कोई मसला नहीं आ भी जाए कोई नहीं, मेहनत की बात है बस करनी पड़ती है, अदरवाइज चीज़ तो जितनी केयर करो चीज़ उतनी अच्छी रहती है। और मेरी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों को लेके, और जितनी केयर इन चीज़ों के पीछे है ना उतनी खूबसूरती फिर इन चीज़ों की बरकरार भी रहती है। और ब्यूटीनेस को बरकरार रखने के लिए ना, या बरकरार रखने के लिए ना मेंटेन करना पड़ता है हर चीज़ को, और वही चीज़ जो है ना आपकी मैं कहती हूँ पूरी नज़र आती है आपकी काम में। लेट्स पोर वाटर इन दिस बाउल, या दिस इज इनफ फॉर दिस टेक्सचर। हाय हाय, चलो हम अपनी शहजादी डर्ट जो है सॉफ्ट डर्ट, हमारा पहला लव जो है डर्ट है जो लेकर हुआ था वो थी ये वाली डर्ट, सॉफ्ट डर्ट। एंड फर्स्ट लव इज़ ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़, आई मैं सही बोल रही हूँ ना, तो जो फर्स्ट लव की जो एक बात है ना वो चीज़ की, वो लेकर वो चीज़ चाहे आगे जितने मर्जी टेक्सचर्स आ जाए उनकी इज्जत ना जो उसका एक
बनाने की खुशी और उसको क्रम्बल करने का जो एक मज़ा है ना, वो हमेशा बरकरार फर्स्ट चीज़ को लेकर रहता है, वैसे ही रहता है, प्योर रहता है। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं भाई? बहुत बात कर ली, हम उसको क्रम्बल करते हैं। देखिए चल भाई, सुने के तू मेरी तारीफ करने की जरूरत कैसे की है? यार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसको हम नीचे रख लेते हैं। ये तो ढेर कर लिए, ये देखिए डैम्प है। अगर डैम्प के नीचे वाले पार्ट्स ड्राई रहते हैं, जैसे कि वो टेक्सचर डैम्प है, नीचे वाला गीला है, उसके अगर ऊपर शेप भी पड़ी रहेगी ना, अगर वो ड्राई नहीं होगी, क्योंकि वो नीचे वाली नमी जो है ना, उसके अंदर सॉक हो रही है बार बार। आज जस्ट जल्दी हो गया, कोई काम शाम कर नहीं वाकफ आया मैं। तुसी देख सकते हो इस डर्ट का टेक्सचर बहुत चाहिए है। डैम पर हम थोड़ी सी तो जो नमी है ना, उसमें उसकी क्रमिंग में ना रुकावट बन गई। एनीवेज इसको हम रखते हैं और मडर्ड को निकालते हैं किसी तरीके से। सही है, छोटा सा बर्तन है। मेरी कोशिश रही है इंशाल्लाह ताला, मैं ना बाउल धोले कराऊंगी। कहते हैं जितने इस काम के लिए हमारे बाउल होना, उतना ही ईजी रहेगा हमारे लिए काम करना। हम सुस्त नहीं होंगे चीज़ों को करने में, रखेंगे इसमें क्या करें, टब नहीं है, कवर किसे करें, शीट्स होनी चाहिए एक्स्ट्रा, टब्स आपके होने चाहिए एक्स्ट्रा। आप काम करके आपके कवर हो कि भी टब, अगर आपके कवर है ना टेक्सचर से, तो आपके पास एक्स्ट्रा दो तीन टब्स होने चाहिए जिसमें आप इजीली क्रम्बलिंग कर सको। बाउल्स होने चाहिए ताकि आप इजीली अपने टेक्सचर को वेस्ट होने से बचा लो, क्योंकि देखिए ना मेरे पास बाउल क्रम्बल करती तो कम फील होता कि नहीं होने चाहिए। बट एनी वे मैं और कलर्स के लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। ये सारी जाने की बात है, मेरे भाई की बाइक जो है ना वो चोरी हो गई है 4-5 दिन पहले।
भाई ने रिपोर्ट जमा कराई है लेकिन स्टिल अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो भाई अब मुझे बाहर ले जाने से भी रहा, वो कहता नहीं गर्मी बहुत है, तो वरना बाइक पे बिठा के ले जाता था मुझे, लेकिन अब अपनी कन्वेंस हमारी चोरी हो गई है। एक ही एक चीज़ बाइक थी, वो भी पापा ने लेके दी थी बाइक को, चोरी हो गई है। पता नहीं कौन जलील लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, ज़रा शर्म ही महसूस करते हैं कि अगले ने कितनी मेहनत से चीज़ की, अगले की कितनी ज़रूरत हो सकती है इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई, लेकिन लोग ज़रा भी तरस नहीं खाते इस चीज़ पर। बस उनको अपने मकसद को पूरा करना होता है, वो मकसद चाहे कितना ही मैं कहती हूँ बुरा हो, कितना ही वो गंदा हो, लेकिन लोग उस चीज़ को कंप्लीट करना, अपना मैं कहती हूँ पेशा जो उन्होंने अख्तियार किया था चोरी करने का, बहुत ही मैं कहती हूँ ऐसे लोग दिल से खाली होते हैं, उनकी ज़मीर मड़े होते हैं, उनकी अंदर किसी की हमदर्दी नहीं होती है, वो जस्ट अपने काम को पूरा करना जानते हैं चाहे अगला कितनी ही उस चीज़ की वजह से तकलीफ़ में आ जाए। तो मैं तो ऐसे लोगों को बस यही कहूँगी कि अल्लाह इन लोगों को पूछे जो चोरियाँ करते हैं, और अगले की मुसीबत में मज़ीद जो इजाफा करते हैं ना ये लोग, ऐसे अल्लाह इन लोगों को पकड़ इनकी सख्त हो, इन लोगों को मैं कहती हूँ बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। खैर मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी, बट ये चीज़ को मैंने जब के बाउल वगैरह लेकर आने तो उस बात के दौरान मुझे याद आ गया कि मैं आपको बताती हूँ कि कितना बुरा हुआ है हमारे साथ। खैर हम मर्डर की क्रमलिंग करते हैं। मैंने आपको इस टर्ट में पानी डालते हुए नहीं दिखाया था, मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ। चले इसको मर्डर ले आऊँ, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा ये मर्डर निकाल के लाई, जितनी ड्राई थी निकाल आई हूँ, बाकी मुझे डैम्प लग रही है, ये भी मुझे थोड़ी डैम्प लग रही है क्योंकि पकड़ती हूँ ना टेक्सचर ठंडा ठंडा लग रहा है। इट्स मीन अंदर से डैम्प है ये, बट स्टॉप कह रही सॉफ्ट है। एक तो ये मेरा मोबाइल का कैमरा सेट कर, फिट्टे हाल भाई। चले थोड़े पड़ा मारे, थोड़े पड़ा मारे माएगी मंगी माएगी सेट। यार नहीं एंगल सेट थोड़ा गोला मारे इसका। मेरे को 12 बॉल्स हो ना, बाउल सॉरी 12 बाउल हो, 12 डर्ट्स रेडी हो ड्राई, 12 की 12 डर्ट्स क्रम्बल करूँ। मुझे डर्ट्स की क्रम्बलिंग इतनी पसंद है। है नहीं 12 बाउल्स, 5 होते हैं, 5 डर्ट्स जो अच्छी होती है ड्राई क्रम्बल कर देती हूँ। यार ये टब का एंगल ठीक कर लूँ मैं, यार ये माइक को क्या तकलीफ है, उसे मेरी आँख पता नहीं क्या चले गया। हो गया क्रम्बल,
हाँ जी, कैसा लगा आपको आज का डर्ट क्रमलिंग ब्लॉग? कि मैंने जिन कितने दिनों से डर्ट की क्रमलिंग नहीं ना की थी, मैंने उसकी कसर पूरी की आप सबके लिए। या मेरा डर्ट क्वीन चैनल बहुत स्लो चले गया बिकॉज ऑफ माई ज़रा थोड़ी ज़रा भी कुछ याद करके। हाँ तो मैं कहती कि डर्ट क्वीन टेक्स्ट चले गए, डर्ट क्वीन चैनल इतना स्लो चले गया मेरा, पता नहीं क्या वजह है। इवन के मैं पहले वैसे मुझे लगता है कि ये मेरा कंटेंट जो है ना शायद बोर हो चुके हैं लोग, इसलिए देखना पसंद नहीं कर रहे इतना। और मैं इतनी एक्टिव भी नहीं हो पा रही, एक्टिव हूँ मैं, एक्टिव हूँ, लेकिन वेदर की जो करंट सिचुएशन है ना वो एक्टिव नहीं मुझे होने दे रही है, क्योंकि मैं ना वीडियो बना पा रही प्रॉपरली, जो बनाती हूँ वो अपलोड कर देती हूँ, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे ग्रिटी टेक्सचर्स लोगों को इतने नहीं पसंद है एक्सेप्ट ये डर्ट्स के अलावा। तो चैनल हुआ वे ऊपर नीचे, खैर कोई बात नहीं, मैं ज़रा पानी लेकर आई, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। कहती कि प्रॉपर वीडियोस ना डाली कर रही, कुछ मैंने सेलिब्रेशन वीडियो भी नहीं डाली, मे भी लोग इससे भी नाराज़ हो मुझसे कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा मेरे चैनल में, कि इसको तो कोई पता ही होता है सेलिब्रेशन तो करती कोई नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कोई नहीं कोई नहीं, वक्त ठीक जैसा नहीं रहता है। आज मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा, आई एक्सेप्टेड, इस वजह से मेरा काम डाउन चले गया। मैं जितना अच्छा काम प्रेजेंट करूँगी, जितनी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी, लोग उतना मेरे से कनेक्ट रहेंगे, उतना लोग मेरी चीज़ को भी पसंद करेंगे। अभी मेरे काम में इतनी वैरायटी नहीं है, अभी मेरे काम में इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ, बस काम मेरा अच्छा नहीं जा रहा है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं आ रहा है, बस काम चला वो हो रहा है कि चलो और ये बंद नहीं डाल दो चैनल, थोड़ा सा पता रहे कि बंदा ऑन है इस चैनल पे, एक्टिव है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छी वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से क्या कहते हैं, फिर से बैक कम बैक करूँगी अच्छी सी वीडियोज़ के साथ अपने चैनल पर, क्योंकि जब तक आपकी हिम्मत से है तो आप अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाते रहते हो, एंड मेरी कोशिश भी यही रहती है। बट इंशाल्लाह ताला कोई नहीं, आप लोगों को ज़रूर मेरे चैनल पे कुछ न्यू देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा कैमरा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह ताला। आप लोग खुद इस चीज़ को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा हाँ भाई रेड क्वीन ने कहा था वो किया है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मैं अपने काम में, अपने टेक्सचर्स में, अपनी मटेरियल जितने भी मेरे पास टेक्सचर्स की क्वालिटी है आपको बहुत बहुत अच्छी मिलेगी। बस आप लोगों ने अगर दिल से सपोर्ट करते रहेंगे मुझे, अपना जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे ट्रू सपोर्ट करेंगे, सिंसेयर रहेंगे मेरे साथ हर हाल में, मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, मेरी एफर्ट को, मेरी जो हार्ड वर्क है मेरा उसको करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं सिंगल हैंड काम करती हूँ, तो आप लोगों को इस चीज़ का जाने के बाद भी कि मैं फिज़िकली ठीक नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं अपने काम को लेके चल रही हूँ, तो ये जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो ज़रूर मुझे, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कोई चीज़ करने को कहती है कभी भी कि करनी ही करनी है, मैं आपको कहती हूँ आप दिल से चलो मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ दिल से चलोगे आप लोग मेरे काम को अंदर से पसंद करते हो, ना कि जस्ट अच्छी चीज़ आ गई तो कर लोगे, नहीं आएगी तो फिटे हाल फिटे मुँह ताडा जो वाली गल नहीं करनी, जस्ट आप लोगों ने अपनी अपनी प्योर जो आपकी एक सपोर्ट है ना वो मुझे चाहिए, जो आप दिल से दो, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, अच्छी बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन आप हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, मेरा काम आपके लिए बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूँगी बनाती रहूँ आप सबके लिए वीडियोस। तो
आई होप अब मेरी जो लास्ट में मैं बड़ा लेसन दे रही हूँ, एक आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ कि कोई बंदा आपको नीचे नहीं गिरा सकता है जब तक आप खुद ना हिम्मत हार जाओ। ये चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ। अगर आपके अंदर कुछ करने की जस्तजू है, आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, कुछ बन कर दिखाना चाहते हो, तो लोग आपको चाहे जितना मर्ज़ी डिग्रेड करें, जितना चाहे आपको डिमोटिवेट करें, आप हमेशा आगे बढ़ने की एक जस्तजू रखते हो। आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हो, और आपका इनर जो एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो कभी आप ख़त्म नहीं, आप उसको होने दो। जस्ट सर्कमस्टेंसेस जो आते हैं बुरे, लेकिन आप उन चीज़ों को फेस करते हो, फिर भी अपने काम को लेकर चलते हो कि नहीं कुछ करना है, कुछ अच्छा बनाना है। तो यही चीज़ जो जज्बा जब तक आपके लिए अंदर रहता है ना, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। तो कभी भी जितने लोग आपको आके प्यार देते हैं, जितना आपको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए और अपने घर वालों को देखते हुए हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छी पॉजिटिव लोगों से शेयर करते रहें, ताकि लोग आपसे सीखें, लोग आपको अप्रिशिएट करते रहें। आप उनके लफ्ज़ों में, उनके जहन में, उनके दिल में हमेशा याद रहो कि वो थी कुछ बंदी, कुछ किसने अपना बहुत अच्छा काम आज तक शेयर किया था। मेरी यही अव्वल और आहिर कोशिश रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बोल दिया, बट जस्ट मैं अपनी एक थॉट्स है आपके साथ शेयर करती हूँ, जब चाहे मेरा दिल चाहता है, जब मेरा मूड होता है। तो ठीक है, तो बस आप लोगों को कभी भी मेरे बारे में नेगेटिव मत लेना आप लोग। मैं हमेशा आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहती हूँ, पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, और आपके लिए हमेशा अच्छा कंटेंट लाना चाहती हूँ। अभी मैं डाउन जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही डाउन जाऊँगी। मैं बहुत अच्छा काम करूँगी इंशाल्लाह ताला आगे जाके। आपको खुद आप ये चीज़ जज करोगे, हाँ भाई कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है, फ़िलहाल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर अपकमिंग स्टेज आफ्टर रेनी वेदर इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर काम मेरा देखने को मिलेगा, बेहतरीन डर्ट्स मिलेंगी देखने को, बेहतरीन वीडियोस क्वालिटी देखने को मिलेगी। जस्ट पेशेंस के साथ रहे मेरे साथ। अगर आपको मेरे काम के साथ ज़्यादा ही कुछ एक अटैचमेंट है, तो रेड क्वीन जो फैमिली है वो ज़रूर अच्छा देखेगी रेड क्वीन के चैनल पर और इस चैनल पर भी। तो 3Q ने भी मेरे जस्ट 14 सब्सक्राइबर्स लेफ्ट हैं। तो अगर आप लोगों को प्यार मोहब्बत है तो उसको भी कंप्लीट करवा दें। मैं कोई जहां मैंने 2 साल वेट किया, 3rd साल लग गया मुझे, तो वहां मैं मज़ीद थोड़ा वेट कर लूँगी, 40 दिन लग जाए, पावे 1 सब्सक्राइबर है चाहे 2 है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये भी कम्प्लीट होगा जर्नी जो मेरा 30 साल होने वाले इस चीज़ को। तो बस ये कहना चाहती थी लॉ के लास्ट में। तो आप सबकी प्यार सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे, और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी मैं। जस्ट बी काइंड विद मी एंड गिव मी योर प्योरिटी, गिव मी योर प्योर सपोर्ट एंड प्योर लव। सो देखना आपकी इच्छा इंशाल्लाह ताला अच्छा काम आएगा मेरा आप सबके लिए। दिल से खुशी होती है जब आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो और मुझे अप्रिशिएट करते हो। तो ये था मेरा आज का डर्ट का व्लॉग, साथ में कुछ अंदर की डेप्थ में जाके जो एक गुफ्तगू होती है ना अंदर से इंसान की, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अभी के लिए मैं ऑफ कर रही हूँ। अगर मैंने दूसरा व्लॉग नए टेक्सचर्स पे इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड होगा, वो मैं सुबह बना लूँगी कल। अभी के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको आज के क्रमनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। लास्ट में मैंने इतनी ज़्यादा बोला है क्योंकि क्रमनिंग मैंने जस्ट फाउंडर्स की करनी थी, इसके अलावा किसी टेक्सचर की नहीं करनी थी। तो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड
कल मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेड क्वीन फैमिली को बहुत सारा प्यार, क्वीन ऑफ ब्लॉग की फैमिली को बहुत सारा प्यार, और दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।